हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। सो आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है जैसलमेर फोर्ट और जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम। और हमारा दूसरा दिन जैसलमेर में शुरू हो चुका था और ये आप देख रहे हो सामने जैसलमेर फोर्ट आया था, इसको भी हम अंदर से भी दिखाने वाले हैं। सो जगह आप जो देख रहे हो, यहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट करा था, ऑमलेट मंगवाया था और न्यूटेला पैनकेक्स मंगवाए थे। ऑल्दो ये पैनकेक की शेप में नहीं है, बट ये बहुत टेस्टी थे, यहाँ की रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ भी बहुत क्लासिक थे। सो इस वक्त आप जो आपके सामने देख रहे हो, ये जैसलमेर फोर्ट की एंट्रेंस है। वेल, मेन एंट्रेंस नहीं है, बट स्टार्टिंग में हमें यही देखने को मिलती है। और अंदर जाते ही थोड़ी ही दूरी में आपको इसकी मेन एंट्रेंस भी दिख जाएगी। सो आपके सामने ही है, ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है सारा। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है, इससे पहले दिन की मैंने डाली हुई है, जिसमें मैंने वहाँ की पटवा हवेली और गड़ीसर लेक दिखाया हुआ है। बहुत ही बढ़िया जगह थी वो दोनों भी। सो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो आप मेरी लास्ट वीडियो इससे पहले वाली वो देख सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया लगेगी आपको। डेफिनेटली जाकर देखिए, आपको मज़ा आएगा। और अब आप ये जैसलमेर फोर्ट और वॉर म्यूज़ियम इन्जॉय करिए। जहाँ पर भी ज़रूरत होएगी मैं बीच बीच में आकर बताता रहूँगा, कौन सी चीज़ बताने वाली होगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इस वीडियो के अंदर अपने में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। सो इन्जॉय करिए वीडियो। और हाँ गाइज़, जिस वीडियो की मैं अभी बात कर रहा था, तो मैंने लास्ट फ्राइडे अपलोड करी थी, उस वीडियो का लिंक भी मैं जैसलमेर डे वन वाली वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ। आप उसे क्लिक कर चेक कर सकते हो सीधा वो वीडियो कैसी बनी है, पसंद आएगी आपको। सो एंजॉय करो गाइस। सो गाइस, अब जो आप जगह देखने वाले हो वो बारी हवेली के नाम से जानी जाती है। यहाँ की एंट्री टिकट 50 रुपीज़ पर पर्सन थी, और जिन लोगों को सिटी का कम्प्लीटली अपर व्यू लेना है मैं उन्हें ही रिकमेंड करूँगा, बिकॉज ये बहुत छोटी सी जगह थी एंड इट वॉज नॉट वर्थ दी 50 रुपीज़, बट स्टिल एक दो फोटोज़ खींचने के लिए ऊपर अच्छी रहती है। सो ये जगह मैं आपको ब्रीफली दिखा देता हूँ। ये भी बेसिकली पटवा हवेली की तरह, बट बहुत पटवा हवेली का बहुत ही छोटा वर्जन, बेसिकली 1/10 ऑफ अ सेक्शन भी नहीं होएगा। सो उतनी सी जगह थी ये, बट यहाँ पे भी वही सेम था, पुराने ज़माने की चीज़ें पड़ी हुई थी, कुछ पुराना सेटअप सारा दिखाया हुआ था। सो ये इसकी रूफ टॉप थी। वेल, ये मेन रूफ नहीं है, मेन रूफ अभी आने वाली है। ये जहाँ पर बेसिकली ये लगा लो रूफ सेकेंड, सो रूफ वन अभी आने वाली है, वो भी अभी आपको दिख जाएगी थोड़ी देर में। सो यहाँ से ये इसकी सबसे ऊपर की टॉप का व्यू आ जाता है। सो ये व्यू अच्छा है, देखने लायक है। और आगे यहाँ पर सारा मैं घुमा के आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये जो आप सामने टेंपल देख रहे हो, ये जैन टेंपल है, और जैन टेंपल वन ऑफ द फेमस टेंपल्स है। सो गाइस, अनफॉर्चुनेटली जैन टेंपल मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि उसको कवर अप होने में 3 से 4 घंटे लग जाने थे, और हमारा डिजर्ट कैंपिंग का टाइम पास आ रहा था, इसलिए हमारे पास इसको कवर अप करने का टाइम नहीं था, और हम आधा अधूरा देखना भी नहीं चाहते थे।
सो ये जो आप जैन टेम्पल देख रहे हो, ये काफ़ी पुराना बना हुआ जैन टेम्पल है। इसके स्क्रिप्चर्स बहुत अच्छे हैं और वर्थ ही विजिट होएगा यहाँ पर जाना। बट हमारे पास टाइम नहीं था, कभी अगली बार चक्कर लगेगा तो डेफिनेटली ये भी आपको दिखा कर जाएंगे। बट हाँ, डेफिनेटली जो टाइम हमारे पास बचा था उसमें आपको मैं जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम दिखाऊंगा। और ये बहुत ही बढ़िया सी रिफ्रेशिंग लेमन सोडा पीने के बाद हमारा जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम की तरफ रास्ते पे हम चल पड़े थे। और ये इसके मेन गेट है। वेल, यहाँ से अलाउड नहीं होता एंट्री, पार्किंग आगे जाकर है। सो कार यहाँ पर हमने पार्क कर दी थी और पार्किंग करते ही यहाँ पर इसकी ये एंट्रेंस आ जाती है जो कि प्रॉपर कोविड के रूल्स वगैरह फॉलो करती है। और यहाँ पर जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम का एक प्रॉपर बैनर लगा हुआ था और साथ में आपको फौजी भी देखने को मिल जाएगा। सो ये जो जगह है, बेसिकली ये वॉर मेमोरियल के बेसिस पर बनी गई है। इस जगह पर आपको तरह तरह के वेपन्स, व्हीकल, टैंक्स, प्लेन्स और बेसिकली यूनिफॉर्म्स जो उस टाइम पर वॉर मेमोरियल बेसिकली 1974 की वॉर के अराउंड यहाँ बना गया था, तो उस वक्त क्या क्या चीज़ें हुई थी, कैसे किन किन लोगों की शहीदी हुई थी, ये सारा कुछ यहाँ पर मेंशन रहता है। और इसको आप पूरा एंजॉय करिए, मैं जल्दी आपको मिलता हूँ इसी वीडियो के दौरान। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई डू गिव अ लाइक, और आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो और भी मजेदार वीडियोस के लिए। पिछले वाले डे वन की वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, चेक कर सकते हो। और हाँ, मेरी अगली वीडियो का इंतजार करिए क्योंकि वो भी बहुत बढ़िया होने वाली है। सम ड्यून्स, जो कि सैम ड्यून्स के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही बढ़िया डिजर्ट कैंपिंग का हमारा एक्सपीरियंस रहा था, वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ।